विधानसभा कक्ष में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 219 करोड़ के तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई, तो वहीं कई नीतिगत प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। वहीं वर्षों पुरानी मर्जर की प्रशासनिक समस्या स्थायी निराकरण करने का फैसला भी लिया गया है। मर्जर मामले में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग जैन के कार्यकाल के दौरान ईदगाह हिल्स आदि पर नामांतरण रजिस्ट्री में रोक लगा दी गई थी। उनके इस आदेश को कैबिनेट में आज निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अब वहां के निवासियों को मालिकाना हक मिलेगा, साथ ही सिंधी समाज के पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। जल्द ही इस संबंध में राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र जारी कर विस्तृत नियमों को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद नागरिक को अपनी अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। आज की बैठक में मूल रूप से 17-18 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन जो विधानसभा में होना है वो था। चूंकि उसका उपस्थापन होना है इसलिए आज यहाँ नहीं बोला जा सकता। विधेयक थे मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, वो भी चूंकि हाउस में आएगा इसलिए उसके बारे में डिटेल नहीं बोल सकते। विधि विश्वविद्यालय का था, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का था, वो भी यहाँ नहीं बोले जा सकते, क्योंकि तीनों ही विधेयक थे। दो विषय नीतिगत थे, मर्जर से संबंधित था एक पाकिस्तान से जो विस्थापित हैं हमारे सिंधी भाई, और दूसरे उनके संबंध में था। तो माननीय मंत्री जी वक्तव्य देंगे, आज बोलने की स्थिति उनकी भी नहीं है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश बरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।